नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बहुत दिनों से बाद वीडियो में बना रहा हूं। तो दोस्तों, अब एक बात आपको बता दूं कि मेरी वीडियो अब डेली आएंगी। डेली तो नहीं कह सकता, बट एक या दो दिन के बीच में आपको इंजन से रिलेटेड हर चीज़ का जो भी आपको वीडियो चाहिए उससे उसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताइए और मैं उसका वीडियो आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इस इंजन में हुआ क्या है कि इसमें पानी चला गया है। अब पानी चले जाने का मतलब कि मोबाइल में पानी चला गया है तो इसका ख़राब हो गया है। तो इसको हम देखते हैं कैसे ठीक करते हैं फिर। तो दोस्तों, हमने इसका मोबाइल में आपको दिखाता हूँ इसका कि कैसा निकला है। ये देखिए दोस्तों, मोबाइल इसका ले भाई, यही अका देखो जाना दोस्तों इसका आप देख सकते हैं। इसका मोबाइल मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि देखिए दोस्तों, ये इस तरह का मोबाइल है। ये पानी मिक्स हो गया है, इसीलिए है ये मोबाइल ख़राब हो गया है। देखिए, बहुत अच्छा नया मोबाइल था, बिल्कुल नया मोबाइल आया है। ये पानी मिक्स होने के कारण ये देख सकते हैं ख़राब हो चुका है। अब वो आका भाई करीब देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए पोजीशन इसकी, ये मिट्टी मिट्टी हो जाता है। मतलब ये पानी इसमें चला गया और जो मोबाइल डीजल पतला, मतलब ये मोबाइल पतला होता है उसमें मोबाइल जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कहाँ से ठीक कर किया जा सकता है उसको। तो दोस्तों, इसमें पानी जाने का रीज़न हुआ क्या है कि मैं आपको बता दूँ पहले कि इसमें हुआ क्या है कि ये जो पानी की सप्लाई वाला सिस्टम ये हो गया था जाम। ये जो आप चार छेद देख रहे हैं, एक दो और तीन और चार, ये चार छेद हैं, इसमें पानी जाता है। तो ये जो क्या कहते हैं हम कि जो ये रेसी बाउंड, ये जो पैकिंग सुलेशन होता है, इसको हम अच्छे से लगाते हैं। जब लगाते हैं इसमें तो इनमें छेदों में अटक जाता है तो पानी की स्पीड हल्का स्लो हो जाती है। मैं आपको ये देखिए दोस्तों, इस तरह ये स्पीड थोड़ा सा फिर पानी की कम हो जाती है। तो अगर कुछ हल्का सा भी फंस गया तो क्या होता है ना कि फिर वो पानी अटकने लगता है। तो इसीलिए गैस्केट, पानी स्पीड कम हो जाती है और कभी कभी गैस्केट फट जाती है। तो दोस्तों, गैस्केट से पानी जाता कहाँ से, ये जो चार छेद हैं यहाँ से पानी निकल जाता है, ये चला जाता है फिर मोबाइल में। मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया, इसमें थोड़ा सा मैंने मोबाइल डाल दिया है कि ताकि जिससे स्टार्ट करें तो दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। और दोस्तों, जब भी ये गैस्केट लगाएं आप तो इसके एक और दो, ये तीन और चार, ये जो छेद होते हैं इनको अच्छे से साफ कर लेना। और दोस्तों, इसके बाद गैस्केट लगा देना है। नहीं, अगर गैस्केट लगाने के बाद भी अगर पानी नहीं बंद हो रहा तो देखिए, जो ये दिखा है तो ये लाइनर के नीचे तरफ, एक लाइनर में एक रबर होती है वाटर, जो पानी को पैक करती है नीचे नीचे जाने से। अगर गैस्केट चेंज करने के बाद अगर ठीक ना हो तो इसके बाद उस रबर को देखा जाता है। तो फिलहाल मैं उस रबर को नहीं देखूँगा क्योंकि वो रबर हमारी ख़राब नहीं है। और इसके बाद मैं इसके गैस्केट रखता हूँ। ये रही दोस्तों हमारी गैस्केट, देखिए इसमें चारों छेद हैं। ये 85 mm यानी 6.5 HP का इंजन है हमारा। इसके बाद हम इसमें हेड रखते हैं। तो दोस्तों, हमने इसको हेड रखते हैं। इसके बाद चार 19 नंबर के नट होते हैं, तो मैं इनको लगा के और आपको इसके बाद दिखाता हूँ इसके बाद सेटिंग आगे की। वाले खीले मैंने अच्छे से टाइट कर दिए हैं दोस्तों। ये इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना, इसे अच्छे से टाइट किया करें, नहीं तो फिर गैस्केट ख़राब हो जाएगी। इसके बाद ये जो पुश रॉड होते हैं इनको अच्छे से ध्यान से बैठा देना अच्छे से, और थोड़ा सा टाइम चाहे जो लग जाए पर आप बैठा लीजिएगा। आप जब बैठ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बैठ गए। ये आपको अनुभव करना पड़ेगा धीरे धीरे, कैसे पता चले कि बैठ गए। तो ये हमारे बैठ चुके हैं पुश रॉड दोनों। और इसके बाद मैं इसका पल्ला लगाता हूँ। इसके बाद दोस्तों, इसका ये जो ये होता है, इसको अच्छे से ध्यान से देख के लगाना है, बैठाना है इसको अच्छे से, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आगे चल के दिक्कत देती हैं। तो दोस्तों, एक हाथ में फ़ोन पकड़े हैं, एक हाथ सेट तो सेट हो नहीं रहा, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा मुझे इसको फ़ोन को वीडियो को रोकना होगा। तो इसको दोस्तों मैं सेट करके आपको दिखाता हूँ। क्या ना कि ये जो नट होते हैं ना, कभी कभी ये थोड़ा सा अटकने लगते हैं, तो इसे थोड़ा सा ढील मतलब टाइट किया जा कर दिया जाता है। तो ये कर इस तरफ का तो सही है पर उस तरफ का थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो मैं उसको थोड़ा सा टाइट करके और इसके बाद ये सेट हो जाएगा आराम से।
दोस्तों मैंने इसको अच्छे से टाइट कर इसको मतलब लगा दिया। इसके बाद इसके चारों नट लगा के और टैपेट सेटिंग का दोस्तों वीडियो मैं आपको दे दूंगा अगली बार। अभी फ़िलहाल मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था इसीलिए मैंने वीडियो इसको नहीं दे पा रहा हूँ। इसके बाद मैं इसका इसके बाद चारों नट लगा के इसका पल्ला का मोबाइल आपका डालता हूँ। तो मैंने अच्छे से इसको टाइट कर दिया है। इसके बाद फाइनली मैं इसमें मोबाइल डाल रहा हूँ। मोबाइल मैंने पुराना ही लिया है, इसे जहाँ मेरे पास रखा था ट्रैक्टर वाला निकला, इसीलिए मैं इसमें आप जितना आपके इंजन में पता हो उतना मोबाइल डाल के नीचे वाला नट हमेशा ध्यान देना कि टाइट कर देना उसे अच्छे से। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दोस्तों कर ही देना। और टैपेट सेटिंग का वीडियो चाहिए तो बताना, मैं आपको दे दूंगा अलग से बना के कमेंट में। दोस्त फाइनली दोस्तों मैं थोड़ा सा गेज नाप लेता हूँ, इसके बाद थोड़ा सा इसके बाद इसमें पल्ला लगा के आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्ध विलास रायकर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डीजल इंजन। जो हमारा ये कॉमेट है 5 HP का इंजन है, तो इसमें समस्या ये आ रही है कि अपने आप ये जो मोबाइल होता है अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा कि मोबाइल क्यों बढ़ता है। तो पहले मैं आपको खोल के दिखा दूं कि इसमें मोबाइल कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मैंने ये सब ढील कर ली है, इसके बाद इसको निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ कि मोबाइल इसमें कितना बढ़ गया। और दोस्तों आपके इंजन के साथ भी हो सकता है, तो मैं आपको यही दिखाता हूँ कि इसमें देखिए धुआं निकल रहा है इससे, और देखिए देखिए धुआं। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा मोबाइल बढ़ चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये गेज से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मैं आपको दोस्तों ये बताता हूँ कि इसमें रीजन क्या होता है अगर आपके साथ ये मोबाइल ज़्यादा होने वाली समस्या आ रही हो। और एक चीज़ आपको इसमें ध्यान दीजिए, तो ये बिल्कुल पतला हो चुका है, बिल्कुल पतला हो चुका है। तो ये पतला होता क्यों हो, तो मैं आपको यही बता आपको ये पूरा एक्सप्लेन आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपका अगर कोई भी इंजन हो और बढ़ता है मोबाइल तो इसमें क्या। देखिए एक समस्या, इसकी जो ब्रासें होती हैं ये भी ख़राब हो जाएंगी धीरे धीरे अगर हम मोबाइल समय समय में चेंज नहीं करेंगे। और मोबाइल चेंज भी कर देंगे तो क्या होगा कि आप जो हमारा मोबाइल बढ़ रहा है तो फिर वो पतला हो जाएगा। तो इसीलिए हम मोबाइल नहीं चेंज करेंगे, जो इसकी समस्या है इसको देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि आपको समझ में आ सके कुछ। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना यार, दोस्तों तुम वीडियो को लाइक नहीं करते। तो दोस्तों इसमें समस्या ये आई है कि इसमें जो ये प्लंजर हमारा नहीं ख़राब है, ये प्लंजर में यहाँ पे जो हम वो लगाया करते हैं ना वाशर, और या तो फिर हम धागा लगाते हैं, तो इस प्लंजर में धागा वाली समस्या थी। इसमें धागा नहीं लगा था इसीलिए ये मोबाइल ज़्यादा बढ़ रहा था इसमें। तो दोस्तों आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिए कि इसमें अगर धागा नहीं लगा तो धागा लगा दीजिए। ये कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारा पंप होता है प्लंजर, ये प्लंजर ख़राब हो जाता है। ये प्लंजर जब ख़राब हो जाता है तब डीजल बहने लग मतलब मोबाइल हमारा जो है वो पतला हो जाएगा और बहने लगता है। तो दोस्तों है तो कि या तो फिर हमारा ये प्लंजर ख़राब हो चुका है, और या तो फिर इसमें एक धागा कहीं नहीं लगाया गया। और दोस्तों यहाँ पे धागा लगाने के बाद भी अगर समस्या ख़त्म नहीं हो रही तो आप इस बॉडी को चेंज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से केवल अगर डीजल जाता है तो सिर्फ यहाँ से निकल जाता है, और या तो फिर सीट ख़राब हो जाती है पंप की तब, और या तो फिर ये प्लंजर ख़राब है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।